डल हो गई है, धूल मिट्टी में जाके बहुत ज्यादा स्किन डैमेज हो गई है और शाइन तो बिल्कुल रह ही नहीं गई है। अब मैं क्या करूं, तो मतलब मैं अच्छी नहीं दिख सकती और मेरा फेस ऐसे ही डल रहेगा बिल्कुल। गाइस मेरा जो आज का वीडियो है इसी टॉपिक पर होने वाला है। बहुत सारी गर्ल्स की यही प्रॉब्लम रहती है कि धूल मिट्टी में और धूप में जाकर उनकी स्किन बहुत ज्यादा डल और डैमेज हो जाती है। सो उसको हम कैसे, माय ब्यूटीफुल पीपल वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस कैसे हो आप सभी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं जो अपना आज का वीडियो लेकर आई हूँ इसी टॉपिक पर है कि हमारी डल स्किन है, मतलब मैं ये गारंटी से नहीं बोल रही हूँ कि आप एकदम से रात भर में गोरे हो जाएंगे, व्हाइट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट हाँ, ये बात की मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी स्किन जैसे डल और बेजान हो गई है ना, उससे आपको निजात तो जरूर मिल जाएगा और आपकी स्किन में पहले से काफी इम्प्लीमेंट हो जाएगा और आपकी स्किन शाइनी और ग्लोई हो जाएगी। इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। सो गाइज आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, एंड तक आप देखती रहिए और इसके सारे स्टेप्स आपने फॉलो करनी है, फिर आप देखिए कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा व्हाइट तो मैं नहीं कहूंगी बट आपकी स्किन काफी ग्लोई और शाइनी होने वाली है। सो अब हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो गाइज हमें ना इसका बनाना का पेस्ट रेडी करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमने एक बनाना ले लेना है, देन इसको बीच से कट कर लो और इसका आप छिलका निकाल के हटा दो। अगर आप चाहो तो आप इसके छिलके का भी यूज़ कर सकते हो। इस पर ना आप थोड़ा सा शुगर छिड़क के और पूरे फेस पे ना स्क्रब भी कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा ग्लो आता है। और अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। और इसके लिए हम क्या करेंगे, बनाना हमने कट कर लिया छोटे छोटे पीसेस में, फिर हमने इसमें आधे चम्मच शुगर ऐड कर दिया है और फिर इस पर मलाई हमने डाल दी है। इसके बाद आप कोकोनट ऑयल अगर आप चाहें तो आप मिलाएं, अदरवाइज कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको करना ही करना है, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो कोकोनट ऑयल आप ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मलाई है ना, तो बट ना मैंने फिर भी कर लिया है क्योंकि मुझे दोनों का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ऐसे लगा कि दोनों को अगर हम मिला के करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। सो इसको हमने ना बिल्कुल फाइन पेस्ट कर लेना है, इसको ना मिक्स करते जाओ बिल्कुल स्मूथ हो जाए, फिर हमें क्या करना है इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। इतनी थोड़ी देर तक ना हम इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि जो हमने शुगर डाला था, तो अगर हमने शुगर पीसनी नहीं है तो इसीलिए हम इसको ऐसे ही डालेंगे, थोड़ी देर मिलाएंगे ताकि शुगर अच्छे से मिक्स हो जाए, देन इसको अपने फेस में फिर अप्लाई करें। आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास क्या है, एलोवेरा। जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे एलोवेरा बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे डेली रूटीन में एलोवेरा ना हो ये हो ही नहीं सकता। मतलब नाइट में सोने से पहले, मॉर्निंग में उठकर और मतलब दिन में दो बार तो मैं एलोवेरा का यूज कर ही लेती हूँ, और वो भी नेचुरल एलोवेरा, क्योंकि हमारे यहाँ तो एलोवेरा का प्लांट है। सो मैं इसका यूज इसी तरीके से करती हूँ फेस को क्लीन करने के लिए, और हर एक चीज में एलोवेरा मेरे जरूर शामिल रहता है। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, एलोवेरा को मैंने फ्रिज में रख दिया था, अब इसके आप देख सकते हैं कि बर्फ की शेड आ गई है, देन मैं इससे अपने फेस को क्लीन करने वाली हूँ कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आप देख सकते हो अपने पूरे फेस को आपने ना क्लीन कर लेना है ऐसे। और उसके बाद बस अब हमारा फेस अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब थोड़ी देर आप इसको ड्राई होने के लिए ऐसे ही छोड़ दें, जब ये ड्राई हो जाए देन आपको अपना जो पेस्ट आपने रेडी किया है वो अपने फेस पर अप्लाई करना है। सो आप देख सकते हो ये पेस्ट मेरा बनके रेडी हो गया है, अब इसको हमने अपने पूरे फेस में अप्लाई कर लेना है। गाइस आप इसको ना मतलब आप डेली से अप्लाई कर सकते हो और फिर आप रिजल्ट देखिए, आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा, आपका फेस शाइनिंग ग्लोई गारंटीड बोल सकती हूँ मैं, गारंटीड कि आपके फेस में बहुत अच्छी शाइन आने वाली है।
वॉश करने के बाद कितना अच्छा ग्लो आया है। उसके बाद आप टॉवल से ऐसे क्लीन कर लीजिए, देन आप ये डेली से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप वीक में 3 या 4 डेज कर लीजिए, एक एक दिन छोड़ छोड़ के, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और अगर आप चाहें तो टैन की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप डेली से कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें मुल्तानी मिट्टी भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा ग्लो आता है। और वो बहुत अच्छा, मतलब अगर हमारे दाने वगैरह फेस पे होते हैं ना, तो उसके लिए मुल्तानी मिट्टी और ज़्यादा अच्छी रहती है। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ताकि जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो जब तक के लिए बाय बाय।